बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होने वाली बैठक से एक दिन पूर्व कहा कि सक्रिय राजनीति से उनका संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 27 अगस्त को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में होने वाली बैठक को लेकर मीडिया में यह अटकलें लगाई जा रही थी कि मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद का कद बढ़ा सकती है। इसके अलावा उनके संन्यास लेने की भी अटकलें थी। बसपा प्रमुख ने सोमवार को एक्स पर अपने आधिकारिक खाते पर कहा कि बहुजनों के अम्बेडकर वादी कारवा को कमजोर करने की विरोधियों की साजिशों को विफल करने और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर व कांशीराम जी की तरह ही मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक बसपा के आत्मसम्मान व स्वाभिमान आंदोलन को समर्पित रहने का फैसला अटल है। उन्होंने अगली पोस्ट में कहा कि सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब से पार्टी ने आकाश आनंद को मेरे न रहने पर या अस्वस्थता की स्थिति में बसपा के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तब से जातिवादी मीडिया ऐसे फर्जी खबर प्रचारित कर रहा है जिससे लोग सावधान रहे। मायावती ने यह भी कहा कि पहले भी मुझे राष्ट्रपति बनाए जाने की अफवाह उड़ाई गई थी, जबकि कांशीराम जी ने ऐसी ही पेशकश को यह कहकर ठुकरा दिया था कि राष्ट्रपति बनने का मतलब है सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना, जो पार्टी हित में उन्हें गवारा नहीं था, तो फिर उनकी शिष्या को यह स्वीकारना कैसे संभव है।